See now, fifth sum. Fifth sum is 4x plus 1 the whole bracket square plus 2x plus 3 the whole bracket square divided by 4x plus 12x plus 9 is equal to 61 upon 36. Okay, question dikha. Ab dekho, 4x plus 1 the whole bracket square plus 2x plus 3 the whole bracket square. अब ये टर्म्स को देखो, 4x square plus 12x plus 9. इसका जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, राइट? ये लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, समझ में आया? अब मुझे बताओ, 4x square का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2x और 9 का क्या आएगा? 3. सो ये जो है, तो इसको हमने शॉर्ट में लिखा कैसे? 2x plus 3 the whole bracket square. देखो, अगर तुमने इसको एक्सपांड किया, देखो 2x plus 3 the whole bracket square, a plus b the whole bracket square के हिसाब से एक्सपांड करोगे तो क्या जाएगा? 4 x square, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 है, उसका ट्वाइस है 12 x और 3 का स्क्वायर 9. समझ में? कैसे क्यों लिखा तुम्हें? देखो 2x plus 3 2x plus 3 ये टर्म में मिला, राइट? नाउ सी, बाय डिविडेंड क्या कर लो? बाय डिविडेंड, बाय डिविडेंड किया तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने न्यूमरेटर से माइनस किया. 4x plus 1 the whole bracket square plus 2x plus 3 minus 2x plus 3 the whole bracket square. 2x plus 3 the whole bracket square is equal to 61 minus 36 divided by 36. 4x square, 4x plus 1 the whole bracket square upon 2x plus 3 the whole bracket square is equal to 25 upon 36. क्या मिला? 25 upon 36. Taking positive square root, 4x plus 1 upon 2x plus 3 is equal to 5 upon 6. क्या आएगा? 5 upon 6. Cross multiply किया, 6 into 4x plus 1 is equal to 5 into 2x plus 3. 6 to the 24x plus 6 is equal to 5 to the 10x plus 15. So 24x minus 10x is equal to 15 minus 6. 24 minus 10x, 14x is equal to 9. And therefore x is equal to 9 upon 40. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आया? 9 अपॉन 40. ओके, राइट अप. सी नाउ लास्ट सम इज 3x plus 4 cube minus x plus 1 cube divided by 3x minus 4 cube plus x plus 1 is equal to 61 upon 189. क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे बाय इन्वर्टेड, इसको इन्वर्टेड करने के बाद क्या आया? 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब डिवाइड बाय 3x माइनस 4 क्यूब माइनस x प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 189 डिवाइड बाय 61. ओके, उसके बाद बाय फॉर्मूला डिवाइड किया तो 3x प्लस 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब प्लस 3x माइनस 4 क्यूब माइनस x प्लस 1 क्यूब डिवाइड बाय 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब माइनस 3x माइनस 4 क्यूब माइनस x प्लस 1 क्यूब. ओके, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब प्लस 3x माइनस 4 क्यूब माइनस x प्लस 1 क्यूब माइनस प्लस प्लस माइनस कट हो गया, वैसे यहाँ पर भी प्लस माइनस कट हो गया. बचा क्या? टू टाइम थ्री एक्स माइनस फोर क्यूब टू टाइम एक्स प्लस वन क्यूब इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 128. ओके, बाद में थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन क्यूब इज इक्वल टू 125 अपॉन 64. बाय स्क्वायर रूट किया, बाय क्यूब रूट, सॉरी बाय क्यूब रूट क्या है? थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 5 अपॉन 4. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 4 into 3x minus 4 is equal to 5 into x plus 1. 12x minus 16 is equal to 5x plus 5. Now 12x minus 5x is equal to 5 plus 16. 7x is equal to 21. X is equal to 21 divided by 7. X is equal to 3. Right? मुझे बताओ, तुम्हारे मन में से क्वेश्चन नहीं आया कि यहाँ पे इन्वर्ट इंटर क्या है, तो यहाँ पे वापस इन्वर्ट इंटर करना चाहिए था? चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? देखो यहाँ पे इन्वर्टेड होता, अगर यहाँ पे इन्वर्टेड होता फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आंसर तो यही आता, समझ में ना? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई तो वही होता ना, 5 इंटू एक्स प्लस होता और 4 इंटू थ्री एक्स माइनस 4 होता, क्योंकि ये अगर इन्वर्टेड होता तो ये भी इन्वर्टेड हो जाता, राइट? सो
फाइनल आंसर क्या था, 3 याद रखा, इसलिए इसको यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं किया। ओके राइट आंसर।